दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं अमृतसरी न्यूट्री मसाला की रेसिपी, जो कि अमृतसर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और हर गली कूचे में आपको खाने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने अमृतसरी न्यूट्री मसाला की रेसिपी को ट्राई नहीं किया है तो मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और घर पर ही लुफ्त उठाएं अमृतसरी न्यूट्री मसाला की इस रेसिपी का। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो अमृतसरी न्यूट्री बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले गैस पर पानी रख दिया है उबलने के लिए, और जैसे ही हमारा पानी उबलेगा उसमें हम डालेंगे न्यूट्री। तो मैंने यहाँ पर 150 ग्राम न्यूट्री ली है, यानी कि सोयाबीन की वड़ियाँ ली है, और हमारा पानी उबल चुका है। अब पानी में हमारी न्यूट्री यानी सोयाबीन को डाल देंगे, और अब मैं यहाँ पर 2 टीस्पून चाय पत्ती ले रहा हूँ, उसकी मैं बनाऊँगा एक पोटली, और इस पोटली को हम ऐड कर देंगे हमारे उबलते हुए सोयाबीन के अंदर, और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। और दोस्तों जैसे जैसे हमारा पानी उबलेगा चाय पत्ती अपना कलर रिलीज़ करेगी और सोयाबीन पे हमारा एक अच्छा सा डार्क कलर आ जाएगा। तो दोस्तों सोयाबीन पे एक अच्छा सा कलर आ चुका है, गैस को कर देंगे बंद और सोयाबीन को स्ट्रेन कर लेंगे और अच्छी तरह से स्क्वीज़ करके सारा का सारा पानी निकाल देंगे। तो अब सोयाबीन को एक साइड में रख लेंगे, और जो ये चाय पत्ती का पानी बचा है हमारे पास उसको भी हम फेंकेंगे नहीं, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब गैस पर एक कढ़ाई रख देंगे, उसमें डालेंगे लगभग 4 टेबलस्पून ऑयल, और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाता है उसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा, और डालेंगे इसमें बारीक चॉप किया हुआ अदरक, और अब हमें चाहिए बारीक चॉप किया हुआ प्याज, और साथ ही साथ चाहिए बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च और कद्दूकस किया हुआ गाजर। और अदरक हमारा भुन चुका है, अब इसमें ऐड कर देंगे हमारी प्याज की आधी क्वांटिटी, और प्याज डालकर हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और जब तक हमारा प्याज भुन रहा है तब तक हम तैयार कर लेते हैं हमारी टमाटर की प्यूरी। तो मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, उसको मैं ग्राइंडर में डालकर एक अच्छा सा फाइन पेस्ट तैयार कर लूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्याज हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, अब इसमें ऐड कर देंगे हमारी टमाटर की प्यूरी, और टमाटर के डालने के साथ ही इसमें नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार, और थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे। और अब हमें टमाटरों को पकाना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, जब तक कि ऑयल सेपरेट ना होने लगे। और जब तक हमारे टमाटर पक रहे हैं मैं यहाँ पर तैयार कर लेता हूँ हमारी पालक की प्यूरी। तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम पालक लिया है, उसको मैंने उबलते पानी में 2 से 3 मिनट के लिए ब्लांच कर लिया है, और ग्राइंडर के अंदर डालकर उसकी एक फाइन प्यूरी तैयार कर ली है। तो पालक की प्यूरी हमारी तैयार है, और इधर हमारा टमाटर भी अच्छी तरह से पक चुका है और एकदम ऑयल सेपरेट होने लगा है, और अब इसमें ऐड कर देंगे हमारी पालक की प्यूरी। और पालक की प्यूरी डाल देने के बाद हमें इसे 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए पकाना है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारी बाकी की वेजिटेबल्स, और अब इसमें डालेंगे गाजर की आधी क्वांटिटी जिसको हमने कद्दूकस करके रखा था, और साथ ही साथ डाल देंगे इसमें चॉप शिमला मिर्च, और अब इसमें जाएंगे कुछ सूखे मसाले। मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और साथ ही साथ इसमें 1.5 टीस्पून जाएगा चाट मसाला। अब इसे अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स, और अब हमें इसे पकाना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक कि थोड़ी सब्जी हमारी पक जाएंगी और मसाले भी हमारे अच्छी तरह से अपना फ्लेवर छोड़ देंगे। तो सब्जी और मसाले हमारे पक चुके हैं, अब इसमें ऐड कर देंगे हमारा चाय पत्ती का बचा हुआ पानी, और पानी डालकर हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, अब इसमें ऐड कर देंगे हमारी न्यूट्री जिसको मैंने छोटा छोटा कट करके रख लिया था। और अब न्यूट्री को ऐड कर देने के बाद हम इसे कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स, और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे, क्योंकि दोस्तों न्यूट्री हमारी पकी हुई है और मसाला भी हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, तो मिनिमम टू मिनिमम इसे 5 मिनट तो लगेंगे ताकि न्यूट्री जो है मसालों के फ्लेवर को अच्छी तरह से पकड़ ले, अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। तो दोस्तों जब आप ऑर्डर करते हैं कि भैया एक प्लेट अमृतसरी न्यूट्री लगा दो, तो आपकी न्यूट्री जो है इस स्टेज पे होती है, फिर वो उसमें ऐड करते हैं बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च, बारीक चॉप की हुई गाजर और बारीक बारीक चॉप किया हुआ प्याज, और साथ ही साथ इसमें डाल देते हैं बारीक चॉप किया हुआ धनिया, और डाल देते हैं मक्खन, और मक्खन को डाल देने के बाद उसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और अब इस न्यूट्री को तवे पर अच्छी तरह से मक्खन के साथ 1 से 2 मिनट के लिए उसे मिक्स करते हैं और अच्छी तरह से उसे भून लेते हैं।
और इस तरह से टक 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 करके न्यूट्री को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और उसके बाद अमृतसरी न्यूट्री को सर्व किया जाता है अमृतसरी कुलचे के साथ। तो दोस्तों, हमारी भी अमृतसरी न्यूट्री मसाला रेडी है एकदम सर्व करने के लिए। तो दोस्तों, आइए झटपट कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो दोस्तों, अगर आपको ये अमृतसरी न्यूट्री मसाला की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्रेस कर देना बेल बटन को, ताकि आगे भी आप हमारी नई नई वीडियो देख सकें। और दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी रेसिपी बनाकर हमें वहाँ पर टैग कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।